वन विभाग के कार्यालय में जलायु लकड़ी के और बांस उपलब्ध नहीं है, जो तालुका के लोगों को जलायु लकड़ी और गीला बांस प्रदान करता है। इसलिए तालुका के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी और बांस भी उपलब्ध नहीं है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के जिला विलास ठोमरे ने प्रशासन से जलायु लकड़ी के टुकड़े और बांस को तुरंत उपलब्ध कराने की मांग की है। चूंकि तालुका के लोगों के लिए जलाऊ लकड़ी उपलब्ध नहीं है, इसलिए कई नागरिक घोट वन क्षेत्र से जलाऊ लकड़ी ले रहे हैं। इसलिए उन्हें परिवहन लागत और बिट लागत का वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है। नागरिक जलाऊ लकड़ी लेने के लिए पैदल ही घोट जाते हैं। कभी कभी वे आते हैं, थोड़ा भी ना मिलने पर निराश होकर लौट जाते हैं, इसलिए आर्थिक और मानसिक कष्ट झेलते हैं। इसके अलावा गैस की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उन्हें जलाऊ लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। जबकि बुरुड़ समुदाय के कारीगरों को अपने व्यवसाय के लिए बांस नहीं मिल पा रहा है। वन परिक्षेत्र कार्यालय में आश्चर्य की बात है कि मृत्यु के अंतिम समय में भी कोई उसके अंतिम संस्कार के लिए जलाऊ लकड़ी और बांस उपलब्ध कराने के बारे में सोचता ही नहीं। आलापल्ली वन विभाग प्रशासन जलाऊ लकड़ी बांस उपलब्ध कराने में भी लापरवाही कर रहा है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए ठाकरे गुट शिवसेना के विलास थोम्बारे ने मांग की है कि चामोशी वन क्षेत्र कार्यालय में जलाऊ लकड़ी और गीला बांस उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। मैं विलास थोम्बारे, जिला संगठक शिवसेना गढ़चिरोली, चामोशी येथे जलाऊ बिटाकरता लागणारे वन विभागाकडून जलाऊ लाकूड उपलब्ध नसल्यामुळे अंतविधी करता तिथून 18 किलोमीटर दूर गरिबांना जावे लागते आणि जळाऊ बीट सुद्धा उपलब्ध नसल्यामुळे तिथं अंतविधी करण्यासाठी जळाऊ बीट नाही करता लवकरात लवकर जळाऊ बीट उपलब्ध करावे, अन्यथा शिवसेना जिल्हा संघटक म्हणून आंदोलन छेडण्यात येईल अशी मी शासनाला विनंती करीत आहे। NBC न्यूज के लिए गढ़चिरौली से बबन वडेटीवार की रिपोर्ट।